आईडीआर फाइल करने की लास्ट डेट बहुत नजदीक आ गई है 31 जुलाई। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्त से पूछ लूं कि भाई आईटीआर फाइल की कि नहीं। तो उसने ये जवाब दिया, अबे पागल है क्या, 2,20,000 का तो पैकेज लगा है, उसमें क्या आईटीआर भरूं। यही डाउट बहुत से लोग है कि मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है तो भाई मैं क्यों आईटीआर भरूं, तो उससे मेरा क्या फायदा। अरे पुनीत भाई रुको जरा, मैं 5 फायदे बताता हूँ आईटीआर फाइल भरने के। पहला, रिफंड क्लेम। मोस्टली केसेस में एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से टीडीएस कट करता है। मान लो इस साल उसने 10,000 का टीडीएस कट किया तो आपको ये 10,000 गवर्नमेंट से रिफंड मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, लोन अप्रूवल। लोन लेने के लिए हमें पिछले 2 से 3 साल का आईटीआर दिखाना पड़ता है, जिससे हमें लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड, लॉस कैरी फॉरवर्ड। इन्वेस्टिंग में हमें कभी लॉस होता है तो कभी प्रॉफिट होता है, एंड दैट्स द रीजन गवर्नमेंट हमें लॉस कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन देती है, जिससे आप इस साल के लॉस को अपने अगले साल के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकते हो और फिर जो रिजल्ट आता है उस पे आपको टैक्स भरना है। अमेज़न ने इसी ट्रिक का यूज करके 2018 में 0 टैक्स पे किया था। फोर्थ, वीजा प्रोसेसिंग। वीजा लेने के लिए भी आपको अपने पास्ट फ्यू ईयर्स का आईटीआर दिखाना पड़ता है। फिफ्थ, इंश्योरेंस कवर। कंपनीज इंश्योरेंस देखते वक्त आपका आईटीआर जरूर चेक करेगी, एंड दैट्स द रीजन आपका आईटीआर फाइल होना जरूरी है अगर आपको हाई इंश्योरेंस कवर चाहिए। सो आपने अगर आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट नहीं किए तो इस साल से जरूर कर देना, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल हर दिन कुछ नया सीखने के लिए।